नमस्कार, विनम्र भाव से जितेंद्र दिव्यांग का सादर प्रणाम स्वीकार करें। दोस्तों, आज फिर आप लोग के बीच आया है जितेंद्र दिव्यांग कुछ ऐसे तथ्य को लेकर। जानकारी देनी जरूरी है, जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया है, आज फिर से मैं बताऊं, 1,00,000 बहुत करीब है। और दुखद इस बात का रहा कि 8-10 दिन से परेशान था, मैडम का तबीयत ख़राब था, इसके वजह से वीडियो नहीं कर पाता था। और 1,00,000 सब्सक्राइबर भैया होना ज़रूरी है। जल्द कहता नहीं हूँ, लेकिन बिन मांगे ही आप लोग ने दिया, इसलिए मैं कभी किसी से कहा नहीं। लेकिन आज विशेष कहूँगा कि मेरा विशेष आग्रह करूँगा कि जितेंद्र का 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरा कराइए। बहुत करीब है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जल्द कहता तो नहीं, लेकिन आज कहूँगा, बिन मांगे कुछ मिलता नहीं है। और बिन मांगे भी आप लोगों ने दिया है, लेकिन आज फिर से मांगना पड़ रहा है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, यह चैनल आप लोग का है, आप लोग ने प्यार दिया है, तो मेरे चैनल को आज नवरात्र के दशहरे तक मैं चाह रहा हूँ कि मेरा 1,00,000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो जाए। 10-12 हज़ार और रह गए हैं, तो आप लोग से विशेष आग्रह है कि मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट भी करें। कमेंट का जवाब मैं देता हूँ, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके कमेंट का जवाब जितेंद्र ना देता हूँ। दोस्तों, कई लोगों का कमेंट आया और फ़ोन आया कि जितेंद्र भैया कितने आईडी आपके चलते हैं, फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, गूगल पे नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। तो आज मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि मेरा इंस्टाग्राम जितेंद्र दिव्यांग के नाम से चलता है, उस पर पहले का पग वाला फोटो नहीं है। इंस्टा जितेंद्र दिव्यांग के नाम से सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम आएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। स्क्रीनशॉट भी मैं वीडियो पे लगा दूंगा, देख लेंगे वो क्या होता है कि किस तरह से है मेरा। जैसे लोग कहते हैं कि भैया फ़ोन नंबर आपका क्या है, कमेंट करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर भी रहता है, अकाउंट नंबर, गूगल पे नंबर और सभी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब कुछ। ट्विटर तो नहीं बना, लेकिन ट्विटर भी मैं बना लूँगा। विशेष आग्रह है आप लोग से कि मेरा 1,00,000 किसी तरह आप लोग सब्सक्राइब करा दें, ताकि आप लोग का प्यार ऐसा ही बना रहे और जितेंद्र आप लोग को ऐसे ही कुछ ना कुछ नया चीज़ दिखाता रहे। और कहीं ना कहीं दुखद भी है, कुछ लोगों ने कहा कि भैया आप डिमांड मांगते हैं, कई लोग किसी से मांगा होगा, मुझे क्या पता। जैसे मेरा फ़ोटो लगाकर अभी एक पहले रिकॉर्डिंग सुनिए, मेरे नाम से, जोश एक्सप्रेस के नाम से ना जाने कितने चैनल बन गए हैं, वो भी मेरा फ़ोटो लगाकर। तो इससे ये लगता है कि जो आप लोग का प्यार है, जो आप लोग के बीच में जितेंद्र बना हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आप लोग को, जो आप लोग के दिल में मेरे लिए जगह है, उस जगह को ख़त्म करने का प्रयास करता हो, या टूट बंधन है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग से कभी दूर हों। भैया कौन चाहता है आप लोग से दूर होना, जितेंद्र कभी नहीं चाहता है कि आप लोग से दूर हों। और ऐसे ही रहा, तो पहले रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कुछ लोगों ने मेरा चैनल के नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ बना दिया है, लेकिन मेरा जितेंद्र कुमार के नाम से फेसबुक है, सब अलग अलग है। और जोश जिंदगी का नाम से पेज है, फेसबुक पेज है। और आपको बता दूं कि व्हाट्सएप नंबर 97-21-63-16-34 है, 91-25-48-49-61 मेरा नंबर है। मतलब इससे ज़्यादा, दो नंबर से ज़्यादा मैं कोई नंबर यूज नहीं करता, और दोनों पे व्हाट्सएप भी चलता है, गूगल पे भी है और सब कुछ है। एक पे सिर्फ गूगल पे है, 91 वाले पे 91-25-48-49-61 पे, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट नंबर और तमाम
उसमें लिंक होगा, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सअप का, सब कुछ लिंक है। तो तब तक आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए, भाई साहब ने क्या मतलब मेरा, अभी कई लोगों ने कहा भैया जोश सुरेश का कई चैनल बन गया है, इसमें क्या है राज, तो इसको पहले सुनिए, उसके बाद आपसे वार्तालाप करते हैं। हेलो भैया को सादर प्रणाम। प्रणाम। शुभ नाम सर आपका क्या पड़ेगा? तो मेरा तो नाम विकास पड़ेगा। भूल गए हैं क्या अपना नाम? क्या भूल गए हैं? क्या अपना नाम ही भूल गए हैं? अपना नाम भूल गए? बोल रहे हैं कि आप वीडियो मेरे आप मेरे चैनल पर डाल सकते हैं। अरे यार ये बताओ आपका चैनल का नाम क्या है बताओ? वो नया खोला हूँ। वो नया को तो नाम नाम तो होगा, नया होगा चाहे पुराना भाई साहब। हेलो आप ही के डाला हूँ। कहाँ आप ही का क्या डाले हैं बताइए सर? जोश एक्सप्रेस डाल दिए हैं, जोश एक्सप्रेस में मेरा फोटो डाल दिए हैं। आपको पता है कि YouTube गाइडलाइंस के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं? फोन आपने नहीं किया है, पहले तो आपने डाल दिया है, मैं आपका वीडियो देखा हूँ भाई साहब, वो भी सेम वीडियो डाला है और सेम नाम दिया है, फोटो कहीं और लगा दिया है, इससे क्या मतलब, कौन सी पॉपुलरिटी आप पाना चाहते हैं, कहाँ से हैं आप? मैं तो बिहार से। अरे यार बिहार को क्यों आप बदनाम कर रहे हैं मेरे भाई, बिहार ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है यार, और बिहार के होकर और बिहार को बदनाम कर रहे हैं। नाम है विकास और मुझे विकास के नाम पर अब मुझे सर्वनाश कर रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है सर। नहीं विकास जी सुन लीजिए, विकास जी जितेंद्र आपसे प्रणाम करके बात किया है, गाली नहीं ना दिया है आपको? मैं कभी किसी को गाली नहीं देता विकास जी, लेकिन बस तकलीफ इस बात की होती है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। अगर आपको शौक है ना तो मैं आ रहा हूँ बिहार, और बोलिए जैसा आप कहेंगे कि मेरे लिए बस काम करो, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ मेरे भाई। अगर मेरा फोटो लगा के और मेरा मतलब नाम लेकर आप पॉपुलरिटी हो जाए, आपको अच्छा लगता है, मुझे शुभकामना है मेरे भाई, मैं गाली नहीं दूंगा आपको। कभी गाली दिया हूँ बताइए? जब से मेरी आपकी बात हो रही है गाली दे के मैं बात किया हूँ, गुस्से से बात किया हूँ तो बताइए कि नहीं? जितेंद्र ने गुस्से से बात कर लिया, ठीक है तो कोई बात नहीं है, एक बार नहीं मेरे साथ हुआ है, कई बार हो गए, पांचवा छठवा बार आप आए। हाँ मैं किसी को कुछ नहीं कहा, सबको फोन के यही सही बस बात करता हूँ, और सद्बुद्धि की कामना करता हूँ मेरे भाई कि चलो ठीक है, अगर लगता है कि जितेंद्र से आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो आप बुला लीजिए जितेंद्र को अपने पास रखिए, जितेंद्र आने के लिए तैयार है। आपने बिन हमसे पूछे मेरा नाम मेरा फोटो सब कुछ यूज कर रहे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ इस बात का है मेरे भाई कि अगर ये लोगों में कोई बात फैलता है, रिमर फैलता है, तो इसका जवाबदेही कौन होगा? जैसे जितेंद्र को आप भी जानते हैं कि कितना लोग प्यार करते हैं, अब मैं अपने से नहीं बड़ा हूँ, लोगों के बदौलत बड़ा हूँ, कभी मैं किसी बात का घमंड भी नहीं है कि मतलब ये चीज़ है। अगर आपको लगता है तो ठीक है, मेरा दो ही नंबर है 97-21-63-16-34-91-25-48-49-61, इसके अलावा कोई मेरा नंबर नहीं है, सभी लोग जानते हैं मेरा नंबर को। दूसरी चीज, अगर विकास जी लगता है कि मेरा फोटो लगा देने से, मेरा चैनल का नाम मतलब रख देने से आपको प्रगति होगी, तो शुभकामना है, कहीं ना कहीं शुभकामना है आपके लिए, मैं कभी किसी को कुछ कहा नहीं हूँ। और आप खास तौर से बिहार से हैं, बिहार के लिए मेरे दिल में क्या है अब मैं कैसे बताऊँ, कोई बात नहीं, नहीं नहीं विकास जी देख लीजिए, अब अगर जितेंद्र कहीं कुछ कह रहा है तो तकलीफ मत मनाइएगा कि जितेंद्र आपको कुछ कह रहा है, जितेंद्र कभी मैं कभी किसी को कुछ कहता नहीं हूँ, बस यही पे सही प्यार से, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो प्रभु आप मेरे लिए समझ लीजिए, बिहार मेरे लिए भगवान है, यही समझ लीजिए, बिहार ने जो दिया है मैं कबूल किया हूँ, बिन मांगे दिया है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं बोला मांगा हूँ, बिन मांगे, तो सोच लीजिए कि जो व्यक्ति जो बंदा मुझे बिन मांगे मुझे दे रहा है तो फिर उसकी तौहीन मैं नहीं कर सकता। आपने जब बिहार का नाम लिया है वही मेरे लिए मतलब क्या बताऊं, बिहार का नाम ले के ही मुझे और ठंडा आपने कर दिया, थोड़ा सा पहले गुस्सा भी आया था लेकिन आपने और ठंडा कर दिया, लेकिन ये समझ लीजिए बिहार मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ना कि बिहार मुझे बिगाड़ने की कोशिश किया है, कभी नहीं किया है। आयांश की मम्मी का फिर फोन आया था, क्यों आ रहा है? मनीष जी का फोन क्यों आ रहा है आप बताइए,
अयंश के मम्मी को आप जानते होंगे, मनीष जी को भी जानते होंगे, खान सर को भी जानते होंगे, रहमान सर को भी जानते होंगे, जो भी लोग बिहार के ही हैं। तो हमारे जैसे लोग तो मतलब कहीं फोन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्लस है ना कि नहीं प्लस है, आप बताइए। तो विकास जी ठीक है, डालिए करना डाले वो अलग बात, लेकिन हमसे एक बार पूछ लेते, चाहिए कह देते कि जितेंद्र आपकी आवश्यकता है तो जितेंद्र आपके पास आ जाता सर, मुझे कोई तकलीफ है। लेकिन आपने दो चार वीडियो डाला है, उसका क्या रिजल्ट है? कोई रिजल्ट भी तो नहीं है। हाँ तो देख लीजिए, कोई अगर ऐसा लगता है तो कोई है, मैं चैनल पे आपके आके बोल दूंगा। अगर लगता है कि मेरे बोलने से आपको वो हो जाएगा, मेरा फोटो लगाने से, मुझे कोई तकलीफ नहीं है विकास जी, ठीक है? ठीक है, देख लीजिए, कोई बात नहीं। बाकी आप लोगों के दिल में जो मेरे प्रति वो लगाव है, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि लोगों के प्रति मेरे दिल में लगाव जो है खत्म हो, समझ रहा? और कोई मुझे पंगा नहीं है विकास जी, आप मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा फोटो ले रहे हैं, मुझे कोई पंगा नहीं। लेकिन जो लोगों के दिल में जितेंद्र के प्रति लगाव है, उसको आप कैसे मतलब कर पाएंगे, ठीक है ना? अब मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा कोई रिमर फैलाए या फिर मेरा फोटो लेकर या फिर मेरा नाम लेकर मतलब भड़काए, मैं ये सब नहीं चाहता। क्योंकि देखिए, विश्वास एक बार जब खत्म हो जाएगा ना, तो हम चाह कर भी नहीं बना पाएंगे कि बना पाएंगे, आप बताइए। तो ये चीज़ है विकास जी, और कोई बात नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, आप एकदम मतलब वो है, कोई बात नहीं। सभी लोग सद्बुद्धि की सबको कामना करनी है, आप भी स्वतंत्र हैं, जितेंद्र भी स्वतंत्र है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ठीक है, उड़ा दूंगा। ठीक है, जैसा आप समझिएगा, ठीक है सर, प्रणाम सर, प्रणाम, प्रणाम। तो दोस्तों आप आपने देखा भाई साहब से हमारी वार्तालाप कैसे हो रही है। भैया को मैंने सिर्फ प्रणाम बोला और प्रणाम करके मैंने बात किया और सद्बुद्धि की कामना किया। भैया मैं किसी को गलत नहीं कह सकता हूँ, क्यों कहूँगा गलत? लोग कहते हैं कि भैया आप पहले यूट्यूबर हैं जो तुरंत मैसेज का जवाब देते हैं, हमारे व्हाट्सएप का जवाब देते हैं, आप लोग के यूट्यूब पे हम लोग मैसेज करते हैं उसका जवाब देते हैं, बैक कॉल करते हैं। तो जितेंद्र को किसी बात का घमंड नहीं है, किस बात का घमंड? जितेंद्र जीरो था, जीरो है और जीरो रहेगा। कहते हैं लोग कि 10,000 सब्सक्राइबर 20,000 होते हैं बड़ा एटीट्यूड में, लेकिन आप नहीं रहते, क्यों रहूँगा भैया? ये चैनल आप लोग का है और सब्सक्राइब आप लोग ने किया है, तो घमंड मुझे क्यों? आज नहीं, अगर मुझे जितेंद्र को कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो निश्चित मैं वादा नहीं करूँगा, मैं कहने में नहीं करने में विश्वास रखता हूँ, निश्चित आप लोग के लिए एक अलग श्रेय होगा और आप लोग जाएंगे उसके हकदार आप होंगे। 1,00,000 कैसे, किसी ने कहा कि भैया 1,00,000 होता है तो हम लोग पार्टी करें, तो पार्टी आप करिएगा, केक काटिएगा, तो मैं केक नहीं काटूंगा, 1,00,000 आप लोग पूरा करिए और आप लोग ही केक काटेंगे और बधाई मैं दूंगा कि आप लोग का 1,00,000 पूरा हुआ है। मिलियन होगा तो आप लोग का होगा, जो भी होगा जैसे होगा, सिर्फ आप लोग का। जितेंद्र को आप लोग ने बढ़ाया है और आप लोग से ही जितेंद्र चल रहा है। कभी मुझे इस बात का घमंड नहीं है कि मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं इतने, ये आप लोग का श्रेय है। और मैं हैरान हूँ कि हमारे जैसे को भी आप लोग देखते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इससे बड़ा दिल में गदगद है। भैया तकलीफ़ तो होता ही है, मैं भी इंसान हूँ, कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मुझे तकलीफ़ नहीं होगा, तकलीफ़ तो होता है, लेकिन कैसे बताएँ, कैसे बताएँ कि तकलीफ़ कैसे कैसे होता है? तो दोस्तों तमाम ऐसे हैं, और इन भैया के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर करेगा। ऐसे भैया कई लोग हैं जो जितेंद्र के नाम से, जोश एक्सप्रेस के नाम से यूट्यूब चैनल बनाना, फेसबुक बनाना, मतलब इंस्टाग्राम बनाना और तमरा तरह के पैसे का डिमांड करना। पैसे का डिमांड जितेंद्र कभी नहीं करता है, ना कभी करूँगा मैं। आप लोग को ज़रूरत होती है तो आप लोग खुद कहते हैं, मुझे ज़रूरत होती है तो आप लोग खुद कहते हैं भैया मैं आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला था ना एक लिस्ट तैयार है, मैडम की तबीयत ख़राब हो जाएगी तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन लोगों ने हेल्प किया है, तो उस लिस्ट को भी मैं तैयार कर रहा हूँ, लेकिन अगले वीडियो में बनाऊंगा, इस वीडियो में नहीं। और मैं क्षमा चाहूंगा कि पटना नहीं आ पाया, बिहार नहीं आ पाया, मैडम की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं नहीं आ पाया, और कोशिश करता हूँ कि 2-4 दिन के बाद मैं निकलूँ। और बिहार ने जितेंद्र को बढ़ाया है, मैं एक नहीं सभी वीडियो में लमसम कहता हूँ बिहार ने जितेंद्र को, अब बिहार का सभी लोग का आशीर्वाद है,
लेकिन बिहार ने बुला के बिहार ने जो सम्मान दिया है, मैं सदैव ऋणी हूँ बिहार का, खास तौर से। बाकी सभी लोग देखते हैं, भारत के सभी नागरिक को मेरा तहे दिल से नमस्कार प्रणाम है। और नवरात्र चल रहा है, नवरात्र का ये धीरे धीरे आज चौथा पांचवा दिन है, तो फिर से एक बार माता रानी आपके और आपके पूरे परिवार को, हमारे दर्शक जितने हैं सबके पूरे परिवार को माता रानी सदैव कृपा बनाए रखें और बरसाए रखें, ताकि आप लोग का मनोकामना पूर्ण हो सके। और नवरात्र का फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हम लोग बस इसी तरह से वीडियो, और आप लोग चौकन्ने हो जाएं, जितेंद्र से बात कर सकते हैं। जितेंद्र को 12 बजे आप लोग बात करेंगे तो जितेंद्र बात करेगा। मैं बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, आप जैसे लोगों से बीच में हूँ, और आप लोग जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे मतलब मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई टिका टिप्पणी नहीं। जितेंद्र अपने से नहीं कुछ किया है, आप लोग का श्रेय है। और कौन जितेंद्र है रोकने वाला? आप लोग का उम्मीद है कि जितेंद्र से बात करें, तो आप जितेंद्र से बात करें, तो सदा मैं आप लोग के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो के साथ, और कमेंट आप ज़रूर करिएगा। और ऐसे लोग जो कर रहे हैं उनके लिए सद्बुद्धि की कामना कि मेरे नाम से ऐसे कर रहे हैं। मैं कभी किसी को गाली नहीं दे सकता हूँ। बाकी हमारा वीडियो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि इस चैनल को 1 लाख तक ले जाएं, और विशेष आग्रह कर रहा हूँ कि 1 लाख आप लोग दशहरे तक पूरा कर देंगे तो एक याद बन जाएगा, और इससे ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता, चूँकि आप लोग ने दिया है, बिन मांगे ही दिया है, और दे भी रहे हैं, कोई बात नहीं है। जितेंद्र के पास कुछ नहीं था, लेकिन आप धीरे धीरे, आप जैसे लोग हैं, जैसे बीच में हो गया कि जितेंद्र भाई अब तो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, अभी चैनल को मोनेटाइज भी 1-2 महीने हुआ, लेकिन मैं घबराया नहीं। आप लोग ने कहा कि धैर्य रखिए, मंजिल जरूर करीब आएगी, तो मंजिल आ रही है धीरे धीरे, घबराना नहीं है। आप लोग का प्यार है, आप लोग का आशीर्वाद है, तो विनम्र भाव से मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग, नमस्कार दोस्तों।